हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ सब्जेक्ट बेसिक मैथमेटिक्स आवर टूडेज टॉपिक इज मीन फॉर रॉ डाटा सो सबसे पहले हम देखते हैं कोर्स आउटकम तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है एंड उसका आप आगे कैसे यूज कर सकते हो उसे कहते हैं कोर्स आउटकम तो कोर्स आउटकम है यूज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू सॉल्व इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कंसेप्ट का यूज करते हुए इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स तो आज के टॉपिक का वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू राइट एंड एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ मीन यानी कि मीन का फार्मूला आप लिख सकते हो एंड उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन बाय यूजिंग द फॉर्मूला फार्मूले का यूज़ करते हुए आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो सो बिफोर स्टार्टिंग our today's लेक्चर फर्स्ट क्विकली रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले प्रीवियस लेक्चर में क्लास में हमने क्या पढ़ा उसके हम revision करते हैं सो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ discontinuous क्लास इंटरवल तो discontinuous क्लास इंटरवल कैसे होता है ये हमने देखा continuous क्लास इंटरवल कैसे रहता है जीरो to टेन टेन टू ट्वेंटी यानी कि देखिए ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी वो जो लास्ट वाला लिमिट रहता है वो नेक्स्ट क्लास में आता है लेकिन डिसकन्टीन्यूस क्लास इंटरवल में क्या होता है टेन टू नाइनटीन फिर नाइनटीन आना चाहिए ना तो वो नहीं आता है ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन यानी कि हमें वहाँ पे दिखेगा प्रॉब्लम में कि वो कैसा है डिसकन्टीन्यूस तो इस तरीके से हमने डिस्कटीन्यूस क्लास इंटरवल क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन देखा एंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ ग्रुप डाटा हैविंग डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल तो डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल को हमने पहले कंटिन्यूस बनाया और कंटिन्यूस बनने के बाद हमने उसका रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड किया बाय यूजिंग फॉर्मूला तो लेट स्टार्ट आवर टूडेज क्लास ऑन मीन फॉर रॉ डाटा तो आज के लेक्चर में हम मीन कैसे निकालते हैं वो पढ़ने वाले हैं तो ये जो मीन वर्ड आप यहाँ पे सुन रहे हो देख रहे हो ये आपका पहले ही टेंथ स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में आप पढ़ चुके हो ठीक है तो हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे एंड इसका यूज़ करते हुए हम आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं तो इसीलिए पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा एक बार रिवीजन करनी पड़ेगी सो मीन फॉर रॉ डाटा सो मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार एंड मीन को ही क्या कहते हैं एवरेज कहते हैं ठीक है थीके? जैसे कि एक क्लास में अगर एग्जाम हुई है और आपको पास होने का परसेंटेज निकालना है हम एवरेज निकालते हैं ठीक है थीके? कितने स्टूडेंट पास हुए हैं क्लास में तो उसे कहते हैं मीन या फिर एवरेज तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे एस यू एम सम का मतलब होता है एडिशन एंड ऑब्जर्वेशन यानी जो हमें रॉ डाटा गिवन रहेगा ठीक है तो वो ऑब्जर्वेशन की हम क्या करते हैं एडिशन एंड डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे कितने ऑब्जर्वेशन है ऐसे कितने स्टूडेंट हैं क्लास में ठीक है उसे कहते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सो so, ये फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं एक्स बार इक्वल्स टू एक्स बार यानी मीन सो एक्स बार इक्वल्स टू सम सम का मतलब होता है एडिशन यानी कि समेशन कहते हैं उसे तो समेशन एंड ऑब्जर्वेशन यानी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव ठीक है तो इसीलिए हम इसे कैसे डिमांड करेंगे एक्स एंड यहाँ पे आय एक्स आई मतलब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर इनकी क्या करेंगे हम समेशन यानी कि एडिशन तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से तो इस तरीके से हमारा ये फार्मूला हो गया है मीन का जिसमें हमें रॉ डाटा अगर गिवन है सिर्फ सिंगल सिंगल डिजिट गिवन है तो हम क्या करेंगे उनकी एडिशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन सो एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स आई बाय कैपिटल एन तो अब हम इसके ऊपर के एग्जांपल सॉल्व करते हैं सो so, पहला एग्जांपल फाइंड द मीन यानी एवरेज ऑफ गिवन डाटा यहाँ पे ये जो दिया है ये क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन या फिर डाटा भी कह सकते हैं उसे तो सेवन फोर्टीन नाइन ट्वेल्व एट तो ध्यान से देखिए ये सिंगल सिंगल नंबर है ठीक है इसीलिए ये क्या है रॉ डाटा है ये ग्रुप में है क्या ज़ीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ऐसा है क्या नहीं ये रॉ डाटा है यानी कि ये आपका एक्स वन हो गया एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव ठीक है सो फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा तो सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे गिवन कि हमें क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे हम डाटा लिख लेते हैं सेवन फोर्टीन नाइन ट्वेल्व एंड एट ठीक है और भी नंबर्स हो सकते हैं एग्जाम्पल जैसे जैसे चेंज होंगे नंबर्स चेंज होते जाएंगे तो ये गिवन डाटा है अब हमें फॉर्मूले में कैपिटल एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लगने वाले हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एन क्या है ठीक है तो ऑब्ज़र्वेशन डाटा कितना है काउंट करिए जैसे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं कितने स्टूडेंट का हमें एवरेज निकालना है तो यहाँ पे कितने डाटा का मीन निकालना है उसे कहते हैं कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो ऐसा डाटा कितना है यहाँ पे फाइव फाइव नंबर्स ठीक है तो एन की वैल्यू हमारे पास है फाइव टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये ऑब्जर्वेशन का हमें मीन निकालना है तो कितने ऑब्जर्वेशन है ये वन टू थ्री फोर फाइव तो एन की वैल्यू कितनी है फाइव अब हमें निकालना है मीन तो हम लिखते हैं मीन का फॉर्मूला सो देयर फोर मीन उसे ही क्या डिनोट करते हैं हम एक्स बार बताइए फॉर्मूला क्या होता है समेशन यानी कि एडिशन किसके एडिशन समेशन ऑफ गिवन डाटा यानी एक्स आई ये एक्स आई है डिवाइडेड बाय कैपिटल एन अब इसमें हम एडिशन करते हैं तो एक्स आई यानी कि सेवन प्लस समेशन का मतलब होता है प्लस एडिशन सेवेन प्लस फोटीन प्लस नाइन प्लस ट्वेल्व प्लस एट ऐसे देखिए सेवन प्लस फोर्टीन प्लस नाइन प्लस ट्वेल्व प्लस एट समेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन कैपिटल एन कितना है फाइव है ठीक है तो अब ये हमने यहाँ पे लिख लिया है अब हम ये वैल्यू कैलसी में डालते हैं ठीक है कैलसी में डालने के बाद क्या आंसर आता है वो तो चेक करते हैं तो कैलसी को पहले हम ऑन करेंगे ठीक है तो आप इन सब का एडिशन करने के बाद भी फाइव से डिवाइड कर सकते हो या फिर एक साथ पूरी वैल्यू डाल सकते हो कैलकुलेटर में तो देखिए यहाँ पे एक बटन आपको नज़र आ रही है ये यहाँ पे न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर ठीक है ऐसा है तो ये हम दबाएंगे ये बटन दबाने के बाद देखिए ऊपर न्यूमेरेटर नीचे डिनोमिनेटर तो अब ये सारी वैल्यू उसमें डालेंगे क्या है वो सेवन प्लस प्लस के बटन यहाँ पे है सेवन प्लस फोर्टीन फोर्टीन प्लस नाइन प्लस ट्वेल्व प्लस एट ध्यान से कि पूरी वेल डाल दी सेवन प्लस फोर्टीन प्लस नाइन प्लस ट्वेल्व प्लस एट डिवाइडेड बाय अब हमें नीचे जाना है तो देखिए ये बड़ी सी बटन आपको नजर आ रही है तो यहाँ पे जो एरो है तो ये नीचे जाने के लिए है तो हम यहाँ पे दबाएंगे देखिए नीचे आ गए हम क्या है यहाँ पे फाइव तो फाइव डालेंगे उसके बाद में हम इक्वल का बटन दबा देंगे इक्वल कितना आंसर आ गया है टेन ठीक है तो यहाँ पे ये पूरी कैलकुलेटर में हम वैल्यू डाल सकते हैं या फिर आप आधा आधा भी कर सकते हो तो वैल्यू डालने के बाद आंसर कितना आ गया है टेन सो देर फोर हम लिखेंगे एक्स बार इक्वल्स टू टेन तो एक्स बार यानी क्या है मीन यानी कि हमारे डाटा यानी ऑब्जर्वेशन का मीन क्या आ गया है टेन तो डे स्टूडेंट आपको सभी को समझ में आ गया होगा गिवन डाटा लिखना है कितना है वो काउंट करना है उसे कहते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और बाद में यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई सारी वैल्यूज की समेशन, यानी एडिशन डिवाइडेड बाय एन और कैल्सियम डालने के बाद टेन तो इस तरीके से हम रॉ डाटा का मीन निकालते हैं सो so, मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया है तो आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करने हैं यहाँ भी क्या निकालना है हमें कैलकुलेट द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा या फिर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी एक वर्ड यहाँ हो सकता है सो so ध्यान से देखिए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बीच में यहाँ पे कॉमा नजर आ रहा है मतलब ये सिंगल सिंगल नंबर है यहाँ भी देखिए ये ग्रुप में है क्या अनग्रुप में है तो इसे कहते हैं ये रॉ डाटा है ठीक है तो रॉ डाटा अगर हमें निकालना है तो मीन का फार्मूला तो हमें पता ही है क्या होता है एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स आई बाय कैपिटल एन तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और यहाँ पे नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं और डियर स्टूडेंट आज का वीडियो देखने के बाद तुरंत सॉल्व करने हैं तभी की पढ़ाई तभी आपको कंप्लीट करनी है क्योंकि इसके बाद में हम फ्रीक्वेंसी आने के बाद कैसे सॉल्व करते हैं मीन कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ने वाले हैं सो so, वीडियो को आप रिवर्स करिए स्टॉप करके देखिए ठीक है थीके? बार बार देखिए प्रैक्टिस करिए उसके बाद में आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करने हैं सो so, अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया नाउ यू कैन एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ मीन तो आप अभी मीन का फार्मूला एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे तो मीन का फार्मूला क्या है मीन मतलब एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स आई बाय कैपिटल एन समेशन का मतलब होता है एडिशन एंड एक्स आई यानी जो हमें गिवन डाटा दिया है रॉ डाटा उसमें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फाइव की वैल्यूज दी रहेंगी उसकी हम एडिशन करेंगे इसीलिए समेशन एक्स आई एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एन कैपिटल एन यानी क्या होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस तरीके से आप मीन का फॉर्मूला एक्सप्लेन कर सकते हो एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ गिवन डाटा बाय यूजिंग द फॉर्मूला इस फार्मूले का यूज़ करते हुए आप मीन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि ये बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इस टॉपिक का आने वाले फील्ड में कैसे यूज़ होता है उसे कहते हैं प्रोग्राम आउटकम तो यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज मिला है एवरेज उसे ही कहते हैं मीन ठीक है mean, तो मीन एवरेज इसका बेसिक नॉलेज मिला है इसीलिए पहला पीओ सैटिस्फाइड होता है दूसरा डिसिप्लिन नॉलेज ये जो आपको एवरेज एंड मीन आपने निकाला ठीक है गिवन डाटा आपके पास होता है उसका आप क्लासिफिकेशन करते हो ऑर्गेनाइजेशन करते हो एनालिसिस करते हो ठीक है तो इसीलिए लिए यहाँ पे डिसिप्लिन नॉलेज ये पी ओ भी सेटिस्फाइड होता है एंड लास्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्टैटिस्टिक्स का ये जो चैप्टर है यानी जो टॉपिक है ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एजुकेशन एस्ट्रोनॉमी रिसर्च इंजीनियरिंग में भी यूज होता है तो मतलब हमारे लाइफ ंग में यूज होता है तो इसीलिए यहाँ पे लास्ट पीओ भी सेटिस्फाइड होता है आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी मीन फॉर अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सो कीप लर्निंग हैप्पी लर्निंग थैंक यू